अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जाजिब, आप देख रहे हैं टेक वीडियो रिव्यूज़। आज आप लोगों के लिए इस एयरबड M25 का जो है मैं रिव्यू और अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं। बिल्कुल लेटेस्ट जो है अभी ये एयरबड्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर। शायद मैं यकीन से नहीं कह सकता, मगर शायद मैं पहला वो बंदा हूँ जो इनका अभी जो है रिव्यू कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी और ने भी करी हो, मगर मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी के भी इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी। और हो सकता है मैं गलत हूँ, किसी ने करी भी हो इसकी अनबॉक्सिंग। तो आज जो है इसका मैं रिव्यू लेकर आया हूँ। बहुत ही आउट क्लास जो हैं एयरबड्स हैं, हेडसेट्स हैं, ब्लूटूथ हेडसेट्स हैं, ठीक है ना। इनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं ये तमाम डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त जो है एयरबड्स हैं ये। वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे इस तरह की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया करें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आउट क्लास जो है इसका डिज़ाइन आप लोगों के सामने है। और क्लोज करके करीब से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत जो है इसका इन्होंने डिज़ाइन जो है बनाया है। और अंदर का भी डिज़ाइन आप इसका देख लें, जब ये चार्ज हो रहा होता है तो कितना खूबसूरत जो है इसका यहाँ पर ये डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन करा हुआ है इसको। छोटा सा है, लाइट वेट है, साउंड कैसा है वो हम इसका देखेंगे, क्योंकि एयरबड्स तो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं सारे, मगर ये साउंड हमें कैसा प्रोवाइड कर रहा है ये हम देखेंगे। और दूसरे एयरबड्स फ्रेंड्स, ये जो एयरबड्स हैं ये पाकिस्तान में अभी न्यू लॉन्च हुए हैं और इनका नाम है M25 हेडसेट्स गेमिंग एयरबड्स। अच्छा, इनके अंदर जो फंक्शन दिया गया है, अभी तक तो जितने एयरबड्स लॉन्च हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, वो उनके अंदर हम सिर्फ जो है म्यूज़िक सुन सकते थे, कॉल्स रिसीव कर सकते थे, कॉलिंग पे बात कर सकते थे, मगर इसके अंदर इन्होंने एक नया फीचर ऐड करा है जिसका नाम है गेमिंग। सही है, इसके अगर आप ऊपर देखें तो यहां पर लिखा हुआ भी होगा गेमिंग हेडसेट। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखें यहां पर जो है आप लोग मेंशन देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पे लिखा है बिल्ट इन 2 पावरफुल मोड्स हैं इसके अंदर, गेमिंग एंड म्यूजिक, जस्ट क्लिक ऑन हेडफोन, इजी टू स्विचिंग। तो एक इसमें अलग से जो है गेमिंग का ऑप्शन दिया गया है कि अगर तो आप म्यूजिक सुन रहे हैं या कॉल पर बात कर रहे हैं तो इसका जो मोड है वो अलग है, उस पर साउंड अलग आएगा, मगर अगर आप गेमिंग खेल रहे हैं तो गेमिंग के हिसाब से आप लोगों को पता है कि बेस वाला साउंड और अच्छा साउंड वहां पर हम लोगों को चाहिए होता है, तो उसके लिए जो है इसमें अलग ऑप्शन है गेमिंग के लिए, ठीक है ना। गेमिंग पे हम स्विच करेंगे तो उसके हिसाब से इसका साउंड कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और मॉडल नंबर के नीचे तमाम इसके जो है कलर्स डिफाइन हुए हैं, जिसके अंदर ये जो वेरियंट है हमारे पास ग्रे, सिल्वर, गोल्ड और रेड कलर के अंदर आता है। हमारे पास जो है ये इस पर देखें चेक लगा हुआ है सिल्वर कलर के अंदर जो है ये हेडसेट है, यानी कि जो एयरबड्स हैं सिल्वर कलर के अंदर इसकी पैकिंग है। अगर बैक से मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें डायरेक्ट जो है ये चाइना से इंपोर्ट हुए हुए हैं। अच्छा, हैं ये कोई बड़ी ब्रांड के एयरबड्स नहीं है, चाइना के एयरबड्स हैं, मगर हम इसको खोल के देखेंगे किस तरह के हैं ये, क्योंकि मैंने इनकी तारीफ बहुत सुनी है। बहुत ही कम लोगों ने अभी इसकी जो है वीडियो बनाई है, रिव्यू दिया है, तो आज मैं जो है इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि किस तरह के जो इसके फीचर्स हैं, किस तरह ये काम करता है। यहाँ पे साइड में भी आप देख सकते हैं कि तमाम इसके जो है फीचर्स डिफाइन करे हुए इन्होंने। इसमें से इन्होंने बोला हुआ है सिरी वॉइस कॉल है इसके अंदर, HD वॉइस है, वाटर प्रूफ है, हाई कैपेसिटी इसके अंदर जो है बैटरी लगी हुई है। और यहाँ पर एक बार आप इसका डिज़ाइन जो है कैमरे में देख सकते हैं वीडियो के अंदर। अब जो है जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरह के जो है ये एयरबड्स हैं, जो कि इतनी तारीफ मैंने इनकी सुनी है, तो मैंने इनको ऑर्डर करा, मंगवाया और मैंने कहा इसका जो है एक रिव्यू तो बनता है जब मैं इसकी इनकी इतनी ज़्यादा तारीफ सुन रहा हूँ एयरबड्स की। तो चलें जल्दी से इनको जो है हम लोग अनबॉक्स करते हैं और इनको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। ये देखें जी, मैंने इनको कर लिया है अनबॉक्स और सबसे पहले इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैटलॉग बुक है, ठीक है, इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है इसकी मेंशन हुई भी हैं। ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको तो खैर कौन पढ़ता है, हम लोग तो इसको पढ़ते नहीं, उठा के ऐसे ही फेंक देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सभी को यूज़ करना आते हैं एयरबड्स, इसको साइड में रख देते हैं और जल्दी से हम अपने एयरबड्स जो है वो निकालते हैं। ये देखिए, ये बॉक्स साइड में रख देता हूँ मैं। अच्छा, जैसे हर एयरबड्स के अंदर होते हैं ये इसके
जो हैं एयर के बड्स दिए हुए हैं अलग से, अच्छी क्वालिटी है इनकी भी, और ये एक जो है इसमें केबल दी हुई है, केबल भी दिखा दूँ आप लोगों को, छोटी सी केबल दी हुई है इसको चार्ज करने के लिए, मगर मैं तो जो है इसको कोई भी एयरबड्स जो है मोबाइल चार्जर से ही चार्ज कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन है कि सी टाइप है, ये देखें सी टाइप का कोई भी चार्जर इसके अंदर लग जाएगा, सी टाइप से जो है ये चार्ज हो गया। तो इसको हम साइड में रखते हैं, ये हमारे एयरबड्स आ गए। अब ये देखें, ये हैं इनके एयरबड्स, एक सेकेंड इस तरह से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये एयरबड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं वो, ऊपर आप देख रहे हैं ऑन ऑफ भी हो रहा है, वो मेरे हाथ से हिल गया मेरे, तो इनको हम निकालते हैं और देखते हैं कि किस तरह के इनका डिज़ाइन है। पहले इसको देख लेते हैं हम, ये देखें जी, बड़ा ही खूबसूरत सा जो है ये एयरबड है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन करा हुआ है इसको, छोटा सा है, लाइट वेट है, साउंड कैसा है वो हम इसका देखेंगे, क्योंकि एयरबड्स तो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं सारे, मगर ये साउंड हमें कैसा प्रोवाइड कर रहा है ये हम देखेंगे। और दूसरे एयरबड की बात करें तो दूसरा एयरबड भी इसका इसी तरह का है, दूसरा भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखेंगे ये दोनों एयरबड्स आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इसका मेन जो चार्जिंग का है पूरा, ये देखें इस तरह से जो है पूरा डिज़ाइन हुआ हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये इस तरह से ओपन होगा, इसके अंदर मैं एयरबड लगा लेता हूँ, फिर देखते हैं हम इसको। ये लगा लिया मैंने लेफ्ट और ये लगा लिया मैंने राइट, वाह भाई, ये देखें इसका लुक देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका लुक है। इसके अंदर जो है लाइटिंग भी है, आरजीबी लाइट्स दी हुई हैं इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने, और ये एयरबड्स गिरेंगे नहीं, अगर मैं इनको उल्टा भी कर दूंगा इसमें से गिरेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन करा हुआ है इसको। ये यहाँ से इस तरह से ओपन होंगे और देखें यहाँ पर जो है ये हमारे जो एयरबड्स हैं दोनों वो चार्ज हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से जो है इसका बॉक्स इन्होंने जो है डिज़ाइन करा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ भी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ख़ास तौर पे ये गेमिंग हेडसेट्स, गेमिंग के लिए जो है ये एयरबड्स डिज़ाइन करे गए हैं, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। मैंने जो ये मंगाया है इसका सिल्वर कलर जो है ये मैंने ऑर्डर करा है, सिल्वर कलर मंगवाया है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आउटपुट के लिए जो है यहाँ पे यूएसबी केबल दी हुई है, और इनपुट के लिए यहाँ पे जैसे ये चार्ज होगा यहाँ पर जो है इन्होंने यूएसबी टाइप सी दी हुई है। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आउट क्लास जो है इसका डिज़ाइन आप लोगों के सामने है, और क्लोज करके करीब से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत जो है इसका इन्होंने डिज़ाइन जो है बनाया है, और अंदर का भी डिज़ाइन आप इसका देख लें जब ये चार्ज हो रहा होता है तो कितना खूबसूरत जो है इसका यहाँ पर ये डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, ये देख सकते हैं, बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही खूबसूरत छोटे से जो हैं ये एयरबड्स हैं। अच्छा, अगर इसके मैं वेट की बात करूं, ये जो पूरा एयरबड का सेट है जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है अपना, अगर इसके वेट की बात करूं तो इतना ज़्यादा कोई ये हैवी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये जैसे और एयरबड्स होते हैं भारी होते हैं, उनके अंदर बैटरी जो है भारी लगी हुई होती है, या उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ा वेट के अंदर डिज़ाइन हुई हुई होती है। इसका जो वेट है, वेट सही है इसका, नॉर्मल है, मगर कोई इतना ख़ास वेट नहीं है कि मैं इसको बोलूँ कि अच्छी क्वालिटी के जो ये हैं एयरबड हैं। वैसे तो ये अगर देखा जाए तो बजरिया देखने के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत एयरबड लग रहे हैं, मगर इनका अगर वेट की बात करी जाए, इसकी बॉडी की बात करी जाए, तो इसकी जो बॉडी है ये टोटली इन्होंने प्लास्टिक की बॉडी बनाई हुई है, मगर अगर इसकी जो खूबसूरती की बात करी जाए तो खूबसूरती इनकी जो है आपके सामने है कि कितने जो हैं खूबसूरत एयरबड जो हैं ये डिज़ाइन करे हैं। अब इनको जो है मैं कनेक्ट करता हूँ और इसका जो साउंड है वो देखते हैं कि किस तरह का जो साउंड ये परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों एयरबड्स जो मैं लगा लेता हूं अपने कानों में, चलें जी इनको अब अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट कर लेता हूं और देखते हैं कि किस तरह का साउंड है इनका। जी तो फ्रेंड्स, कनेक्ट कर लिए हैं ये मैंने अपने मोबाइल के साथ, और अगर इसके साउंड की बात करूं, वैसे तो आप लोगों को इसका साउंड मैं नहीं सुनवा सकता, मैं खुद ही फील कर सकता हूं, मगर जो है वाकई
बहुत आउट क्लास, बहुत ही अच्छा साउंड है। और जो एयरबड्स होते हैं उनके अंदर जैसे बहुत ही इस तरह का साउंड होता है कि उसमें जो है बेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर बेस जो है इतनी नहीं है, इसकी बेस इसकी कम है, मगर साउंड क्वालिटी जो है बहुत ही डिसेंट है। ये नहीं कि आपके कानों में फट रहा है या चुभ रहा है साउंड, बहुत ही ज़्यादा जो है हाई वॉल्यूम का साउंड है इसका, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोवाइड कर रहा है। बेस थोड़ी इसकी सी कम है, बेस इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर जो है जो इस तरह के लोग हैं जो बेस थोड़ी सी कम पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और साउंड की क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कम है, बहुत ही लाउड साउंड है इसका, दोनों एयरबड्स का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड आ रहा है। मैं इसको निकाल देता हूँ कि हो सकता है मैं इसमें माइक में ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ इसकी साउंड की वजह से, तो बहुत ही जो है अच्छा साउंड है इनका, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड है। और अगर मैं बताऊं कि आप लोगों को ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो देखिए बैटरी के हवाले से तो इसकी कि इसकी बैटरी एक बार चार्ज होने पे क्या परफॉर्मेंस देती है वो तो मैं बाद में ही आप लोगों को बता सकूंगा कि इसकी बैटरी क्या बैकअप दे रही है, मगर जो है अगर मैं वैसे ओवरऑल बताऊँ तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग इसको ले सकते हैं। और मार्केट में जो है इस वक्त ये मैंने इसको डिस्काउंट के ऊपर मंगवाया है, तो ये डिस्काउंट के ऊपर मुझे तकरीबन 1100-1200 रुपये का मिला है, मगर इसके ऑफिशियल जो प्राइस हैं ये 2500 से 2600 तक का जो है मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में मिल रहा है। पाकिस्तान की कई शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर ये आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, और ये आप लोगों को ईजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा साउंड है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। और अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन तो कितना आउट क्लास है, आप लोगों के सामने है कितना खूबसूरत जो है इसको डिज़ाइन करा गया है, आप लोगों के सामने है ये, तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग इसको ले सकते हैं। मगर इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह कुछ दिन इसको यूज़ करके, जैसे मैं हर चीज़ को पहले यूज़ करता हूँ और फिर कुछ दिन बाद उसका एक और रिव्यू बनाता हूँ कि इसकी जो है अंदर हार्डवेयर की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो कुछ दिन बाद इंशाल्लाह इसकी एक और वीडियो बना के छोटी सी और आप लोगों को बता दूंगा कि इसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो कैसी रही, इस बैटरी टाइमिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है ये। तो वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।